बदायूं में चूहे की निर्मम हत्या के बाद अब सोशल मीडिया पर मंगलवार को एक और वीडियो सामने आया जिसमें एक शख्स बिल्ले को ईंट से कुचलकर मार रहा है। वीडियो कब का यह स्पष्ट नहीं है, हालांकि यह वीडियो शहर की मंडी समिति के आसपास इलाके का बताया जा रहा है। वीडियो में एक युवक मैदान में पड़े बिल्ले पर ईंट बरसा रहा है, उसके आसपास अन्य कुत्ते भौंक रहे हैं और शायद उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन युवक के हाथ में ईंट देख कुत्ते दूर भाग रहे हैं और वह ईंट बिल्ले पर बेरहमी से मार रहा है। बताया जाता है कि आरोपी ने पिल्ले को मारकर मैदान में ही एक गड्ढे में दबा दिया। इधर वीडियो सामने आया तो पशु प्रेमी विक्रेंद्र शर्मा थाने पहुंचे और पुलिस से शिकायत की। वही अब वह पुलिस को लेकर घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं ताकि शव को निकलवाया जा सके और आरोपी के शिनाख्त के खिलाफ तहरीर दी जा सके। पुलिस ने कुत्ते के पिल्ले के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कर लो इतने बड़े छोटे वाले के लिए। नहीं अजय बताओ नाम क्या है आपका? मुकेश नाम है भैया। तो क्यों मार दिया? हमसे गलती हो गई, हम बता रहे हैं। गलती मारने के बाद सब गलती क्यों मानते हैं? क्यों 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 हमारा बच्चा छोटा सा लड़का जी है जो गलती हो गई कोई बात नहीं तो उसके लिए काट लो इसने और एक छल्लू भाई उन्हें काट लो एक वो लड़की और है उसे काट लिया तीन बच्चे के लिए काट लो इन्हें तो हमसे ये गलती हो गई इतनी जो हमसे मतलब आपने उसकी जान ले ली ये तो हमसे गलती हो गई गलती मान रहे हैं। हाँ मार रहा है साहब कोई बात नहीं बात। ये जो पिल्ला मारा गया है तो क्या है पूरा मामला? सर सुबह सुबह सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ कि मंडी समिति के पास एक जगह एक आदमी ने पिल्ले को मारा है ईंटों से कुचल के। उस वीडियो में क्लियर दिखाई भी दे रहा है ईंटों से कुचल के मारा गया है। तत्काल मैं अपने साथी कौशल गुप्ता जी के साथ मौके पर पहुंचे, जैसे ही वीडियो आया लोकेशन को ट्रेस किया, पहुंचे आसपास के लोगों से पता चला कि यहीं एक रहने वाला व्यक्ति है, उसने इसको ईंटों से कुचल कुचल के सुबह मार दिया। क्या कार्रवाई की है आपने? कार्रवाई के लिए मौके पर पहुंच के हमने 112 पे ट्वीट किया, पुलिस को बुलाया, उनके सामने कुत्ते को गड्ढे में से निकाला है बच्चे को, थाना पुलिस को भी वहां मौके पर बुलाया गया है। अब उसको लेकर पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाएगा, तहरीर में थाने में देने वाला हूं। किसके खिलाफ देंगे? आसपास के लोगों से थोड़ा सा पता चला कि उसका नाम मुकेश है, मौके पर वो व्यक्ति भी आया मुकेश जिसका नाम, उससे जब पूछा गया हाँ मैंने ही मारा उसको, उसने कबूला कि हाँ मेरी गलती है कि मैंने उसको मारा है। ये सुना है वो कह रहा था कि मेरे बच्चे को काट लिया था। देखिए छोटे छोटे बच्चों के छोटे छोटे पिल्ले जो होते हैं उनका एक नेचर होता है खेलने का, अब उस खेलने के नेचर में होता क्या है कि उनके दांत लग जाते हैं, इंसान समझता है कि वो पागल हो गया कि इसने काट लिया मेरे बच्चे को। अभी अभी वहां पर जब हम पहुंचे एक छोटा सा बच्चा एक इंसान का बच्चा कुत्ते के बच्चे को उठा के ले जाता है और एक गड्ढे में फेंक देता है, वो बच्चा उसके साथ खेल रहा है क्योंकि इंसान के बच्चे को भी नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ और उस पिल्ले को। अब खेलते वक्त वो पिल्ला अगर मुंह मार दे इंसान तो यही कहेगा ना कि इस पिल्ले ने काट लिया उसके और इस वजह से वो उसको मार दे,